हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस डूइंग वेल, गुड, ग्रेट, और होना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ आई मेकअप ट्यूटोरियल बनाइए। देन मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर मास्क के कलर करेक्टर, कंसीलर, हाइलाइटर और उसमें छोटू सा ग्लिटर था वो पैलेट में से मैंने यहाँ पर अपने आई बेस बनाया। आई बेस में मैंने आँखों के ऊपर लगाया, आईब्रोज के नीचे, आईब्रोज के ऊपर बेस सेट करने के लिए। और फर्स्ट मैंने आईब्रो पहले ही फिल कर लिया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आईब्रोज फिल करने के लिए। तो मुझे झटपट वाली वीडियो बनाना था कि मतलब ज़्यादा टाइम भी ना हो, व्यूवर्स इंजॉय भी करें, तो मैंने ये करा। देन उसके बाद में मैंने डैप ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में थोड़ा भी कीकी नहीं दिखना चाहिए, थोड़ी सी भी लाइंस नहीं दिखना चाहिए, फाइन लाइंस अपना जो भी आप बोल सको वो नहीं दिखे। देन यहाँ पर मैंने मार्स का सब, मैंने ये जो वीडियो में मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा है सब मार्स का है। तो यहाँ पर मैंने मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करा, वो कॉम्पैक्ट भी है और लूज़ पाउडर भी है। तो मैंने वो यूज़ करा, उसको अपने हाथ पे पहले निकालने के बाद में अच्छे से मैंने फिर उसे लगाया बिकॉज है ना पैची पैची लगता है। देन यहाँ पर मैंने सेलो टेप यूज़ करा। सेलो टेप इसलिए क्योंकि आप अगर बिगनर्स हो तो आपकी जो आई मेकअप है इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वो ना हो, लाइनर शार्प हो, तो आप लोग इस तरफ जा सकते हो, सेलो टेप लगा सकते हो। देन यहाँ पर मैंने मास्क आई शेडो पैलेट में से लाइट ब्राउन कलर अप्लाई करा। लाइट ब्राउन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में मैंने उसके आउटर कॉर्नर पर पर्पल शेड, आप बोल सकते हो इसको पर्पल शेड है ये, तो अपने आउटर कॉर्नर से मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड करने के बाद में जो ब्राउन कलर, जो लाइट ब्राउन मैंने पहले अप्लाई करा उसके साथ में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में मैंने वही मार्स का जो मेरा आई शेडो पैलेट था मैंने फिर वही यूज़ करा। मैं आपको बोल रही हूँ बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैलेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है उसके लिए। तो उसमें से मैंने कंसीलर वाला जो शेड था उससे अपनी क्रीज कट करा। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको इतना ख़त्म कर दी, ये मुझे 15 दिन भी नहीं हुए ला के उसे इतना ख़त्म कर दी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा क्रीज कट करा। क्रीज इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि पैलेट इतना अच्छा है और ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ये पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी क्रीज भी एकदम फ्लॉलेस बनेगी। देन यहाँ पर मैंने क्रीज कट करने के बाद में अपनी फर्स्ट फिंगर से क्रीज पे थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर पे जो ब्राउन शेड था उसे अच्छे से मिक्स करा क्योंकि क्रीज लाइन दिखना नहीं चाहिए। देन उसके बाद में मैंने मास्क के आई शेडो पैलेट में से हाइलाइटर, गोल्डन वाला हाइलाइटर वाला शेड अप्लाई करा, वो क्रीज में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे हाइलाइटर वाले शेड क्रीज में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर उसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद में मैंने जो फर्स्ट यूज़ करी थी अपना लाइट ब्राउन, तो मैंने उससे ही वो मिक्स कलर करके लाइट ब्राउन में थोड़ा सा वाइट शेड अप्लाई करने के बाद में अपना वो जो आउटर कॉर्नर है वो सबको अच्छे से फिल करी। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर लाइनर लगाई, लाइनर भी मैंने मार्स का ही ली हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मास्क की प्रोडक्ट मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम परचेज करी और सीरियस आई लव इट, लव इट, लव इट वेरी वेरी वेल, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देन उसके बाद में मैंने लाइनर लगाने के बाद में थोड़ी सी उसकी पूछ पूछ बोल सकते हो वो निकाली। देन उसके बाद में मैंने मेबलिन का मस्करा यूज़ करी, मेबलिन का मस्करा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इससे आपके आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं, थिक दिखते हैं और बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कीकी नहीं है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर प्रूफ है। देन उसके बाद में मैंने सेलो टेप हटा दिया, आप लोग देख सकते हो मेरा लाइनर कितना शार्प बना है। देन उसके बाद में जो भी नीचे जो अपना सेलो टेप लगाने के बाद में लाइंस आ गई थी मैंने उसे क्लीन करी और जो भी पाउडर वाउडर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिरा था मैंने उसे भी क्लीन करी। आई लुक पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ दूसरी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड।